Happy and healthy. These are the stock answers most parents give when asked what they want for their young children. When deep down, what they really want is for them to be quietly occupied. For centuries, that was achieved through rocks and sticks and imagination, and now we have the iPad. What's up, guys? I'm back. यार कुछ ऐसे के लिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मुझे एक ब्रेक की जरूरत थी. एक्चुअली मैं बहुत ऐसे से कॉमेडी वीडियोस बना रहा था बट मुझे ऐसा फील हो गया मुझे कॉमेडी से कुछ हट के भी करना चाहिए क्योंकि आई गेस मैंने अब तक अपने यूट्यूब के कैरियर में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो शायद सोसाइटी के लिए कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे. 2017 में फेसबुक पर मैंने एक ऐसी पोस्ट डाली थी जो लोगों ने वैसे ही इग्नोर की जैसे ईद के दिनों में लोग दानिश तैमूर की फिल्में इग्नोर करते हैं. रिसेंटली यूट्यूब पे जब मैंने अपने नेफ्यूज़ को कुछ वीडियोस देखते हुए देखा मुझे कुछ फिशी फिशी लगा तो मैंने उन पर वैसे ही नज़र डालना शुरू कर दी जैसे बचपन में दो कज़न्स एक गंदा सीन आने पे एक दूसरे को देखते थे. मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो ना तो कॉमेडी है और ना ही शायद बच्चों के देखने वाली, पर हाँ ये बच्चों के लिए ज़रूर है. इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्सा गेट कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर, टॉकिंग एंजेला, टॉय फ्रीक और बच्चों के स्मार्टफोन का स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल किया जाए. आई रियली वॉन्ट कि ये वीडियो और कोई देखे ना देखे, लेकिन वो माँ बाप लाजमी देखें जिनके बच्चे छोटे हैं और उनके हाथ में हर वक्त यूट्यूब होता है. सो शुरू करते हैं. सो देयर वाज अ चैनल ऑन यूट्यूब जिसका नाम दी एल्सा गेट था. इस चैनल की पहचान ये थी कि इसमें सिर्फ चंद स्पेसिफिक करेक्टर्स ही आपको नजर आते थे जैसे स्पाइडरमैन, हल्क, जोकर और फ्रोजन सिस्टर्स. यूजली बॉयज में स्पाइडरमैन, सुपरमैन और लड़कियों में फ्रोजन सिस्टर्स कुछ ऐसे से ज्यादा मकबूल हो गई थी. इन वीडियोज में खास पैटर्न देखने को नजर आया. यूजली या तो सारे करेक्टर्स का ऑब्जेक्टिव एक दूसरे को किस करना था या तो लड़कों को ये एहसास दिलाना था कि वो लड़कियों से फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग है और इससे वो डोमेस्टिक अब्यूज प्रमोट कर रहे थे. कुछ और स्केरी चीज़ें ये थी जैसे एक लड़का एक लड़की के साथ अकेले कमरे में होने पे क्या क्या इविल काम कर सकता है और कुछ सिक चीज़ें ऐसी जैसे फ्रोजन करेक्टर्स का ये फाइंड आउट करना कि एक्चुअली उनको किस मेल करेक्टर ने प्रेगनेंट किया है. मतलब माँ बेचारी मासूमियत में अपने बेटे को ये कहेगी कि बेटा स्पाइडरमैन के कार्टून देखो ना और बेटा खुशी से कहेगा बाकी मामा. यूजली अगर आप पाकिस्तान में कोई पिक्चर या वीडियो अपलोड करो तो आपको कुछ नाइस पिक डियर टाइप कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन इन वीडियोस के नीचे कमेंट्स कुछ अजीब ही तरह के थे जो कि समझ से बाहर था. मतलब कौन सा इंसान ऐसे कमेंट्स लिखता है. शायद कॉन्स्पिरेसी ये भी है कि ये ऑटो जनरेटेड कमेंट्स और ऑटो जनरेटेड व्यूज थे ताकि ये वीडियोस यूट्यूब पे इतने ऊपर आ जाएं ताकि वो आपके बच्चों के एसेस में बहुत आसानी से आ जाएं. एक और बात ये कि इनमें कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जो आपको एक्चुअली इस वीडियो से किसी और वीडियो तक लेके जाना चाह रहे थे और अगर आप वो वीडियोस खोलो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता था. सवाल ये आता है कि ये चंद मखसूस करेक्टर्स ही क्यों सारे वीडियोस में थे. शायद ये हो सकता है कि ये सारे करेक्टर्स इन स्पेसिफिक कलर पैलेट पे बेस्ड थे और इन कलर्स की वजह से या तो वो आपके बच्चों का माइंड कंट्रोल कर रहे थे और या वो इन बच्चों का ब्रेन अपने हिसाब से डेवलप कर रहे थे. पर आई थिंक इन वीडियोस के बनाने का असल मकसद ये था कि इन वीडियो से वो एक्चुअली में मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे थे. आप खुद बताएं ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एनिमेशन की वीडियो जो कि 10 मिनट की हो यूजली उसे बनाने में हफ्ते हफ्ते लग जाते हैं. ये लोग हर रोज एक नई वीडियो अपलोड कर रहे थे. दैट मीन कि इनके पीछे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ये वीडियोस क्रिएट कर रहे थे और रोज यूट्यूब पे अपलोड कर रहे थे. और हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अगर हफ्ते में दो वीडियोस भी निकाल दें तो तीसरी वीडियो वो कंटेंट ना होने की वजह से क्वेश्चन आंसर्स की बना लेते हैं. वैसे मैंने अंदाजा लगाया कि मैं नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ. अब हम बात करेंगे एक और चैनल जिसका नाम था टॉय फ्रीक. Toy Freaks is one of the many channels that were run by Greg Chisholm. Toy Freaks featured Chisholm's two daughters, often being put into humiliating situations. Basically, ये चैनल एक बाप अपनी दो बेटियों के साथ चला रहा था जिसका कंटेंट इंतहाई डिस्टर्बिंग था. एक बाप अपनी बच्चियों से वो चीज़ें कराता था जो इंतहाई डिस्टर्बिंग थी. उसमें चीखना, चिल्लाना और मेंटली टॉर्चर रहना था. स्ट्रेंज बात यह कि इस चैनल के 8 मिलियन सब्सक्राइबर थे और ये पूरी वर्ल्ड में 100 मोस्ट देखे जाने वाले चैनल्स में से एक था. इवेंचुअली ये चैनल 7 महीने बाद बंद कर दिया गया और बाप को जेल में डाल दिया गया, पर कुछ ऐसे बाद उसे फ्री कर दिया. इस तरह की वीडियो से बच्चों में इतनी ज़्यादा बदतमीजियाँ इंजेक्ट कर दी गई थी कि मेरा नेफ्यू भी मुझे ऐसे कहना शुरू हो गया था, चाचा पानी ले गया. मोस्ट केरी वॉज द टॉकिंग एंजेला. बेसिकली आप लोग टॉकिंग टॉम को तो जानते होंगे, एंजेला उसकी गर्लफ्रेंड थी. The call 7 investigators taking you behind the screen of an app causing a lot of controversy. Now kids and parents alike, some saying that the Talking Angela, that's the app, is really a front for child predators. Talking Angela app basically शायद उन लड़कियों के लिए बनी थी और उनको इंटरेक्ट करने के लिए एक ऐप मिल गई जिससे उन्हें कंपनी मिल जाती थी. अमेरिका में एक माँ ने ये डिस्कवर किया कि उसकी बेटी के फोन में एंजेला को
उसकी बेटी के भाई का नाम, उसके स्कूल में टीचर का नाम और तकरीबन हर वो इन्फॉर्मेशन पता थी जो कि बेटी उस एंजेला से शेयर कर रही थी। साउंड्स वेरी स्केरी। एंजेला लड़कियों से बहुत वियर्ड सवाल भी पूछती थी, जैसे अकेले होते हुए तुम क्या फन करती हो, क्या कभी तुमने अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में कपड़े स्वैप किए हैं, और भी इस तरह की बहुत स्ट्रेंज बातें। इस ऐप को 1 बिलियन यूजर्स ने डाउनलोड किया और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह है, कई लड़कियों ने ऐसा भी फील किया कि जैसे एंजेला की आंखों के अंदर एक्चुअली कोई बंदा बैठा उनको देख रहा है। Like someone was behind the eyes watching you at all times, even if you're off the app and your phone's off. I don't know इस ऐप का असल मोटिव क्या होगा, बट यूजली इस तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या फिर प्रोस्टिट्यूशन होती है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और यूट्यूब के सीईओ जिनका नाम मुझे अनाउंस करना नहीं आता, उन्होंने इस तरह की बहुत सी वीडियोस पे एक्शन लिया और उनकी नई पॉलिसी के बाद तकरीबन 1 लाख वीडियोस और 17,000 चैनल्स यूट्यूब से रिमूव की गई। मैं सोच रहा हूँ अगर इतने चैनल्स ही रिमूव करने थे तो हमारे कुछ कैनेडियन यूट्यूबर्स के भी रिमूव करते थे। अब हम बात करेंगे बच्चों के स्क्रीन टाइम के ऊपर। यूजली मोबाइल एडिक्शन से बच्चों में जो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं वो हैं ब्रेन डेवलपमेंट, डिप्रेशन, एग्रेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अटेंशन डिसऑर्डर। इसीलिए देखें जब आपका बच्चा टीवी या फ़ोन यूज़ कर रहा होता है तो आप उसे 10-10 बार भी आवाज़ें मारें तो उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं जाता। इस स्क्रीन एडिक्शन का एक और नुकसान ये है कि यह आपके बच्चों को डम बना दें, और एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करने से आपके बच्चों का IQ लेवल नीचे गिरता है। सबसे ज़रूरी काम यह है कि 1 साल से 5 साल के बच्चों को दिन में सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन टाइम देना है, और 5 साल से 10 साल के बच्चों को सिर्फ 2 घंटे, और 10 साल से 20 साल के बच्चे वो आपकी सुनने नहीं वाले। मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ साल पहले पेशावर में PTI की गवर्नमेंट ने डोरेमोन हिंदी डब कार्टून बैन करा दिया, क्योंकि वो बच्चों को हमारी कल्चर के बजाय दूसरे कल्चर की वैल्यू सिखा रहे थे। मेरा नेफ्यू इस तरह की बातें करना शुरू हो गया था कि मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चल रही, मुझे रात को सपना आता है। हमारे पाकिस्तान के एक्स ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर फवाद चौधरी ने ये अनाउंस किया था कि वो बच्चों के लिए एक चैनल इंट्रोड्यूस करने लगे हैं जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के करीब होंगे। जब वो स्क्रीन टाइम पे हो तो उन पे पेरेंटल चेक रखें। पर सवाल ये उठता है, सबसे पहले अपने दिल से पूछें क्या ये सब करने का आपके पास टाइम है भी कि नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ और भी ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर इतना ज़्यादा लोग नहीं बोलते तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम है उस पर आप मुझे बता सकते हैं। मेरे से इन टच रहने के लिए मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें, और अगर इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए।